अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच. दिस इज आवर यंग पेशेंट हु केम ऑल द वे फ्रॉम इंग्लैंड. ये ग्लासगो से आए थे ट्रैवल करके मेरे लिए. इनका एसीएल टेयर था और मेनिस्कल टेयर था. तो चूंकि बाहर मुल्क के अंदर भी बहुत ज्यादा मुश्किलात होती हैं पेशेंट्स के लिए सर्जरी कराना, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के अंदर भी उसी स्टैंडर्ड की ट्रीटमेंट हो रही है जिस तरह इंग्लैंड में होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा थैंक यू वेरी मच. टेल मी योर एज. व्हाट्स योर एज? आई एम 24. एंड वेयर डू यू लिव इन इंग्लैंड? ग्लासगो. So you, how did you know about me that we are doing this standard of treatment in Pakistan? My brother's brother-in-law knew you from doctors. Yeah. And then you saw my social media page. Yeah. And you were happy that this is something you want to make a decision, come all the way from Glasgow and have the surgery done here. So इसमें मेरे जरिए मतलब social media देख के knowledge लेके मेरे पास आया था. जब आप इधर आए आपको कैसा experience लगा मेरे से मिलके? बहुत अच्छा था. आप वेरी फ्रैंक थे. सब कुछ जो आपको पता था क्या करना है सब कुछ अच्छे से. और हमने आपकी सर्जरी कब की है? और आज आप कैसा फील कर रहे हैं? बेटर है, काफी बेटर है. अच्छा, तो हमने सर्जरी के दौरान आपको बता भी रहे थे, तो हमने किया क्या कि हमने हाई कंसंट्रेशन प्लेटलेट रिच प्लाज्मा डाला, हमने फाइबर टेप यूज की, एसीएल किया और मेनिस्कस को रिपेयर किया. आज आप इंशाल्लाह ताला घर जाओगे. और ये अगर मैं इनके एक्सरे दिखाऊं इसी तरह पोजिशन में, अगर आप थोड़ा सा करीब आ जाए तो प्लीज यहाँ दिखा दें. तो दिस इज हिज एसीएल रिकंस्ट्रक्शन. एंडो बटन इधर पड़ा हुआ है, फाइबर टेप बीच में, और इस हिस्से पे हमने मेनिस्कस रिपेयर किया. आई थिंक गाइस दैट्स द रीजन वी नीड टू फील प्राउड अबाउट पाकिस्तान, के हमारे मुल्क के अंदर भी उसी स्टैंडर्ड की ट्रीटमेंट हो रही है जो कहीं दुनिया में होती है. जरूरी नहीं है कि इंग्लैंड और अमेरिका के अंदर वो स्टैंडर्ड मेंटेन किया जा रहा है. आप मुझे बताएं हमारा टीम वर्क कैसा लगा, क्वालिटी कैसी लगी आपको, डिड यू फेल्ट एनीथिंग डिफरेंस देन एनएचएस के? एनएचएस के मुकाबले नहीं है, नथिंग एट ऑल. इट वाज फैंटास्टिक. द टीम इज वेरी नाइस, एवरीवन सो केयरिंग. थैंक यू वेरी मच. आप देख सकते हैं कि इसकी नी के ऊपर रेगुलर आइस कंप्रेशन दब रही है. पेन कैसी मैनेज हुई आपकी? पेन हाउ इज इट नाउ? It's fine, but when I'm moving all that, it does hurt a bit. It is obviously natural. Yes. अब हम इनको इंशाल्लाह ताला घर भेजेंगे, उसके बाद he will do physio rehab, and when he will go back to Glasgow, he will represent Pakistan as this is the country where people can come and have the treatment done. Yes.